So let's start solving question number 3, exercise 7b, 10th standard ICSE maths. तो यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या हुआ, आपको ये समझ जाना होगा कि ये जो 6 है ना वो रिपीट हो रहा है, राइट. अभी तक हम फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करते थे, इज दिस सेम एज द थर्ड प्रोपोर्शन, वो दोनों सेम है. तो हाँ, फोर्थ प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन कहीं ना कहीं पे सेम ही है, बट नंबर दो ही दिए हुए हैं, राइट. तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन को हम इस तरीके से कुछ सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं. थर्ड प्रोपोर्शनल मीन्स 9/6 इक्वल टू 6/x. इसमें नया क्या आया, इसमें ये जो 6 है ना वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, दैट इज द न्यू थिंग, राइट. तो अगर x को फाइंड करना होगा तो x न्यूमरेटर में जाएगा, उसी तरीके से 6 × 6/9, तो 9 दोनों के साथ कट हो जाएगा, 2 × 2, राइट. So we left with only 4. So x equal to 4 is our final answer. उसी तरीके से अगर second sum देखें तो second sum में हम क्या कर सकते हैं, right? x equal to 2 integer 2/3 को convert करेंगे तो 6 + 2 = 8/3. ये खुद एक ratio है, ध्यान से समझना. Upon 4 तो आएगा ही आएगा, equal to के सामने 4/x, वो खुद एक ratio था. अगर यहाँ पे समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो आप क्या कर सकते हो, 8/3 रेशियो 4 है तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ये 3 कट हो जाएगा एंड रेशियो बिकम्स 8/12 इफ़ यू वांट करना है तो, राइट. मैं ये सब में नहीं करने वाला, x ऊपर गया उससे पहले इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 8/12 इक्वल टू 4/x एंड x अगर ऊपर जाएगा सो 4 × 12/8, 4 × 2 = 8 एंड 2 × 6 = 12, सो वी गेट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 6. सो इस तरीके से हम आंसर्स फाइंड कर सकते हैं. थर्ड वन इज ऑल्सो इजियर वन. तो चलिए ये स्लाइड में सिर्फ 3 ही देखेंगे हम, उसके बाद बाकी के दोनों नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले. 1.6/2.4 इक्वल टू 2.4/x. सो x इक्वल टू, आप इतना समझ लीजिए जो सेकंड नंबर दिया होगा, राइट, उसका स्क्वायर हो रहा होगा कहीं ना कहीं, राइट, 2.4 × 2.4 एंड अपॉन 1.6. सो देखिए 24/10, बहुत ही बेसिक लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं सिखा रहा हूँ, राइट. तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो थोड़ा सा अगर आपको आता है तो. जब ये सेव होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक सेव होता है, तब जाके वो थोड़ा सा ब्लर हो जाता है वो एक लीटर. 12 × 3 = 36/10, आवर आंसर इज 3.6. इस तरीके से हम इन सारे के आंसर्स निकाल सकते हैं. बाकी के दो को न्यू स्लाइड पे ले जाना होगा, फिर हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. चलिए, थैंक यू.